वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम का, जो कि जिसको हम लग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही नाम है एक्चुअली में। देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसके दो पार्ट हैं, एक रोल्स थ्योरम और ये लग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, तो ये उन्हीं का पार्ट है। तो देखिए, जैसे ये प्रॉब्लम लिखा हुआ, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इन द इंटरवल, ये जो हमारा इंटरवल है ए बी वेयर ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू फोर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम जो है दो चीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले फोर कॉन्टिन्यूस इन ए बी, हम कंटिन्यूस ए बी के लिए फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, जो हमारा ये ए इक्वल टू वन दिया है बी फोर, हमको इसमें एक्स की में पुट करना है। तो सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। तो अब इसमें जो है मैं अपना पुट कर देता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस वन एक तरफ और एक्स इक्वल टू फोर, ये दोनों एफ एक्स में पुट करूंगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए वन का स्क्वायर वन माइनस फोर माइनस थ्री। ठीक, अब जब यहाँ हम फोर एफ एक्स में वो करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन माइनस थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेवन, तो माइनस सिक्स बचेगा। और इधर क्या हमारा बचेगा, इधर ये कैंसिल, इधर थ्री। तो देखिए, दोनों जो है एक दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहा है, कहने का मतलब। लेकिन फिर भी ये जो है, अब हम इसका आगे चेक करेंगे क्या है दूसरा हमारा जो पार्ट होगा, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो उसके लिए एफ एक्स हमारा जो है ऊपर, वो हम ऐसे ही अब डायरेक्ट कर देता हूं मैं, तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर। ठीक, तो यहाँ पर टू एक्स माइनस फोर आ गया। ठीक, तो लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, हमको सी भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हमारा जो एफ डैश सी होगा, कहने मतलब अगर हम इसकी जगह सी रख देंगे एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा टू सी माइनस फोर। कुछ नहीं किया है, जो एक्स है हमने वहीं पर सी पुट किया है, बस बाकी वही वैल्यू हो चुकी है। इसका अभी काम लगेगा, वो मैं आगे बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसका मीन वैल्यू थ्योरम का, तो वो हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये जो है मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लग्रेंज मीन थ्योरम का ये फॉर्मूला है। ठीक, तो हम अब इसी में अपनी जो है वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, ये बी है और ये ए है, इसका मतलब कि अब हमको क्या करना है, जो एफ डैश सी है ऐसे ही लिखेंगे। अब जो ये हमारा बी है, यहाँ पर मैंने तभी बताया था आपको कि सी, जैसे मैंने ये सी रख दिया है, तो जो हमारा पहले वैल्यू थी यहाँ पर, हम यहाँ पर बी रखेंगे फिर ए रखेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी बी स्क्वायर माइनस फोर बी माइनस थ्री। वो बी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको ए और बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक, माइनस अब एफ ए, अब ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस थ्री। सिर्फ कुछ नहीं किया है, एक्स की जगह पे हमने सिर्फ वो बी माइनस ए।
तो यहाँ पर देखिए बी इसलिए रखा है क्योंकि बी हमारा वो था और हमको इसकी वैल्यू भी दी हुई थी, तो इस वजह से। तो अब देखिए आगे जो है, आगे बताता हूँ। जैसे कि एफ डैश सी जो था हमारा इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस फोर बी माइनस थ्री माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस थ्री अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमारा जो वैल्यू आई थी वो था 2c माइनस फोर, अभी पहले मैंने जो थोड़ी देर पहले निकाला था। अब देखिए यहाँ b की वैल्यू हमको दी हुई थी, एक a का वैल्यू हमको दिया था 1 और b के दिया है 4, तो हम यही अब कुछ नहीं सिर्फ इसी को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस थ्री, इधर हो जाएगा 1 माइनस फोर माइनस थ्री। सिर्फ हमने इसमें a की जगह वन पुट करा है और बी की जगह फोर, और ये हो जाएगा फोर माइनस वन। तो यहाँ पर हमारा ये इससे कैंसिल, माइनस थ्री इसमें बचा और इसमें हो गया सिक्स, माइनस सिक्स हुआ। तो यहाँ पर हमारा प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक, ये अपॉन में थ्री बचेगा। तो यहाँ पर माइनस थ्री अपॉन थ्री इक्वल इसको कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस वन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो टू सी माइनस फोर है वो माइनस वन आया है। तो अब इसमें से टू सी इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर, ये हो जाएगा हमारा थ्री। तो जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो थ्री बाई टू, इसका मतलब कि वन पॉइंट फाइव। तो हमारा c की वैल्यू कितनी आई है 1.5, ठीक, ये c का वैल्यू आया है। और जो हमारा जो वैल्यू थी वो बिलोंग किसके कर रहा था, बिलोंग कर रहा था वो 1 से 4 के बीच में, तो 1.5 ये एक के बाद वाला ही वैल्यू है। तो इसका मतलब ये भी प्रूव्ड हो गया है कि इट इज सेटिस्फाई टू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। तो यहां पर ये भी कंप्लीट हो चुका है।